कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं अलकम एजुकेशन चैनल, यू आर वाचिंग अलकम एजुकेशन चैनल। ठीक है, कॉमर्स के रिलेटेड हमारे पास अकाउंटिंग का चैप्टर जो कि वाइंड अप होने जा रहा है डेप्रिसिएशन का। तो पहले हमने सेकंड मैच स्टार्ट किया था, अब जो क्वेश्चन सेम है तो वो आपको नहीं कराएंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आंसर नहीं भी आया तो आप हमें कमेंट करें तो वो भी आपको करके दिखा देंगे। ये चैप्टर खत्म होने वाला है, इसके बाद चैप्टर के एग्जाम पर आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और दूसरा एक असाइनमेंट दी जाएगी। आप लोगों ने असाइनमेंट क्या क्या करना है, सिंपल आपको तरीका बताया। असाइनमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद सिर्फ आपने आंसर भेजना है आपने कि हमारा ये आंसर निकला है, तो हम बता देंगे कि आंसर सही है या गलत है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, आपको क्वेश्चन पहले क्या करवाया था, 5। आप जरा 6 पे देखें, इसको मैं पढ़ने लगा हूँ, लिखा गया बस सेम ऐसे ही है, आपको पढ़ के दिखा देता आगे आपके लिए मसला ना हो। अ फर्म परचेज अ मशीन फॉर रुपीज 2 लाख। ठीक है, 10,000 और 1 July 2002 एंड स्पेंट रुपीज 24,000 ऑन, नज़र आ रहा होगा आपको, ऑन इंस्टॉलेशन चार्जेस। अच्छा देखिए, मशीन की वैल्यू कितनी है, आपको थोड़ा सा पहले ही बताया मैंने, मशीन की वैल्यू आपके पास है 2,10,000 है, लेकिन बीच में वो कह रहा है कि इसको हमने जो इंस्टॉलेशन की इसको लगाने की उसके ऊपर 24,000 खर्च हो रहे हैं। तो ये बताते चले, मशीन की वैल्यू को आपने खाली 2,10,000 नहीं लेना, उसके अंदर 24,000 को आपने क्या करना है, ऐड करना है। 24,000 को ऐड करना है तो आपके पास बन जाएगा 2,34,000, यानी टोटल मशीन की वैल्यू आपके पास है 2,34,000 है। आपने जब भी अकाउंट बनाना है, जब भी वो एक्शन करेगा या इंस्टॉलेशन करेगा, स्पेंड करेगा, तो उसकी वैल्यू को मशीन की वैल्यू में ऐड करना है, कभी भी अकेले से इसको नहीं रखना। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा है, कहा है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट ऑन द फर्स्ट फॉर 4 ईयर्स, 4 साल का अकाउंट बनाना है। डिमिशनिंग बैलेंस मेथड, अज्यूमिंग दैट अकाउंटिंग ईयर ऑफ क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, सिंपल इजी मेथड। उसने आपसे कहा है कि आपने क्या करना है, 4 साल का अकाउंट बनाना है। ठीक है, और इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 10% है, और मेथड कौन सा इस्तेमाल किया हुआ है, डिमिशनिंग बैलेंस मेथड। डिमिशनिंग बैलेंस मेथड कौन सा मेथड है, सेकेंड मेथड है, बहुत ईजी है, सिंपल है, इसका कोई चक्कर ही नहीं है। देखिए, पहली जब मशीन से ली है 1 जुलाई के लिए है, फर्स्ट टाइम जब आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 6 माह की निकालेंगे। ठीक है, इसमें कोई चक्कर नहीं होता क्योंकि सेकंड मेथड है। उसके बाद जब आप अगले साल की निकालेंगे, आपने इसकी बैलेंस भी निकालना है, इसका कोई चक्कर नहीं है। लेकिन जब फर्स्ट मेथड होता है, हमें क्या करना पड़ता है, उसका पूरे साल का लगाना पड़ता है। तो ये सवाल बहुत ईजी है, इसको भी आप सॉल्व करें एज अ प्रैक्टिस के तौर पर। ठीक है, नीचे आ जाए, पढ़ा रहे इसलिए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जो मैंने क्वेश्चन कराए वो सेम एक जैसे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ऑन 1 जनवरी 2001 अ फर्म परचेज मशीनरी वर्थ रुपीज 50,000, मशीन खरीदी है उसने कितने की, 50,000 की। ऑन 1 जुलाई वॉयस एडिशनल वर्थ रुपीज 1,10,000 एंड स्पेंड रुपीज 10,000 रिडक्शन, उसको लगाने के ऊपर खर्चा वगैरह जो है वो आप उसके बीच में जो ऐड करेंगे। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन ईच ईयर 31 दिसंबर, अज्यूमिंग द नॉर्मल डेप्रिसिएशन 10%, शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द 4 ईयर्स अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये भी आपका सेकंड मेथड है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है, वो ईजी आप तरीके से कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर भी अगर समझ नहीं आई तो आप हमें लाजमी कमेंट्स करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब एक नई चीज़ जो आपके पास आ रही है कि मशीन जब ख़राब हो जाए तो लोग उसको सेल करते हैं, तो उस सूरत में क्या वर्किंग होनी है, तो ये चीज़ जो है सबसे मेन है जो आपको हमने बतानी है ताकि स्टूडेंट को क्लियर हो जाए। ये जी मेरे पास क्वेश्चन है, नज़र आ रहा होगा ये जी, अ फर्म परचेज अ सेकेंड हैंड ट्रक फॉर रुपीज़ 50,000, फर्म है उसने सेकेंड हैंड ट्रक खरीदा है, कितनी अमाउंट उसकी, 50,000 है ऑन 1 जनवरी को। ठीक है, 50,000 को उसने खरीदा है, ट्रक खरीदा है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद ऑन 1 जनवरी 2002 ही स्पेंड ये है 20,000 ओवर हिल का, मतलब उसको लगाने के ऊपर जो खर्चा है वो कितने का है, 20,000 का है। डेप्रिसिएशन रेट ऑफ 10%, डेप्रिसिएशन का रेट उसने 10 दिया हुआ है, और कौन सा बैलेंस है, रिड्यूसिंग बैलेंस यानी सेकंड मेथड। ऑन 30 जून 2005 द ट्रक वाज सोल्ड फॉर रुपीज 30,000 बीइंग अनसूटेबल, उसने कहा कि 30 जून को उसने मशीन सेल कर दी, 2 जून को उसने मशीन सेल कर दी, उसकी वजह क्या थी, ख़राब हो गई थी। प्रिपेयर द ट्रक अकाउंट फ्रॉम जो है 2000 2005, अज्यूमिंग डेट अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, आपने 2002 से 2005 तक क्या है इसका अकाउंट बनाना है। अब कैसे बनाना है तो उस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं, साथ साथ समझाते हैं। ये परफॉर्मा हमने बना लिए, ठीक है, परफॉर्मा भी बन गया हमारे पास। अब आपको जरा बता देते हैं, ट्रक जो आपने खरीदा था वो 50,000 रुपये का है, ठीक है, और 20,000 के उसका खर्चा है उसको लगाने का, टोटल ट्रक आपके पास कितने का बन गया, 70,000 रुपये का। उसके बाद डेप्रिसिएशन का रेट उसने कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है उसने 10% का,
ठीक है, और अकाउंट जो आपने बनाने हैं उसने बता दिया डेट आपको कि 2002 से लेकर 2005 से बनाना है, ये इसलिए बताया ताकि जब हम क्वेश्चन करें आपको जो है इजी हो जाए। अब सबसे पहले क्या है, उसने आपको बताया 1 जनवरी 2002 को उसने ट्रक क्या किया है, सेकंड हैंड ट्रक खरीदा है, ये 2002। अब उसने डेट बताई है तो आपने डेट के हिसाब से करना है, 1 जनवरी, ये देखिए जैसे पहले करें तकरीबन वैसे ही थोड़ा सा बस चेंज है, 50,000 प्लस 20,000, ये जी 70,000 आ गया, 2002 31 दिसंबर, हाँ जी क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, इसकी हमने डेप्रिसिएशन लेनी है, डेप्रिसिएशन लेनी है। अब साथ साथ बताते हैं आपको, डेप्रिसिएशन ली है आपने 10%, यहाँ पर शो करवा देते तो आपके पास क्या आ गया 7,000, क्लियर हो गया। ये देखिए एक साइड बड़ी आ रही है आपके पास, तो जो साइड बड़ी आ रही है वो भी इधर लिखी जाएगी, वो भी इधर लिखी जाएगी, 70,000 में से आपने 7,000 माइनस किया तो आपके पास आ गया 63,000, ये जी ये बैलेंस आ गया मेरे पास, कैरी डाउन। उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, साथ साथ बताते जाएंगे आप लोगों ने टेंशन में नहीं, ये 63,000 आपका ही बैलेंस आ गया, ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया। ये बुक अगर आपके पास पढ़ी थी देख रहे हो ना, मैं आपको साथ साथ ही बता दूंगा कि क्या करना है आपने, क्योंकि मशीन आपकी 2005 में सेल हो रही है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चले अब चलते हैं हम 2003 फर्स्ट जनवरी बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है बैलेंस क्या है 63,000, क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पर 2003 31 दिसंबर, क्योंकि ये कौन सा मेथड चल रहा है आपका, ये देना बैठा नहीं, ये मेथड आपका कौन सा चल रहा है, मेथड आपका चल रहा है सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में क्या आता है जो बैलेंस आता है उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन देती है, तो इसके हम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6,300, कैसे आया 63,000 का आपने 10% किया, ये क्लियर हो गया। अब 63,000 में से आपने 63 को लेस करना है तो मेरे पास आ जाएगा 5,670, ये जी बैलेंस कैरेट आ, कैलकुलेटर साथ साथ रख लें ताकि आपको भी इत्मीनान हो जाए कि वाकई ये क्वेश्चन सही चल रहा है, ठीक है ये जी मेरे पास दूसरे साल का ही बैलेंस आ गया, ये देखें 2003 से 2000 हमने 2002 से 5 तक बताना है, ये वीडियो को स्लो करके आप देख सकते हैं, ये ठीक ये क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं। अब ये मैं इसको डिलीट करने लगा हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए, क्योंकि हमने बकले अकाउंट करने हैं उसमें थोड़ी सी वर्किंग भी करनी, ठीक है 2000 किसका बनाया था, 2000 बनाया था हमने 2003 का। अब 4 की तरफ चलते हैं, ये 4 की तरफ चल रहे हैं 2004 फर्स्ट जनवरी, ठीक है ये जी बैलेंस आपके पास क्या आया था, बैलेंस ब्रॉट डाउन मेरे पास आया 5,670, अकाउंटिंग पीरियड आपका क्लोज होता है 31 दिसंबर को, ठीक है और डेप्रिसिएशन आपने लेनी है इसी की, क्योंकि ये कौन सा मेथड चल रहा है सेकंड मेथड, ये जी 5,670 आ जाएगा, यहाँ भी शो करके दिखाते हैं ताकि जिन स्टूडेंट को क्लियर नहीं हो रहा वो पता चल जाए कि डेप्रिसिएशन दिखा रही है, ये साइड बड़ी आ रही है, ये जी ये साइड बड़ी आ रही है छोटी आ रही है, जो साइड बड़ी आती है वही अमाउंट जो है दोनों जगह पे लिखी जाती है। अब आपने इसमें से इसको माइनस किया है तो आपके पास क्या आंसर आ गया है 51030, ठीक है जी बैलेंस हमारे पास आ गए देख रहे अच्छी तरह से। अब हमारे पास लास्ट ईयर है 2005, ठीक है और यहीं से आपको बताना है कि वर्किंग कैसे करनी है, ये देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है फर्स्ट 2005 फर्स्ट जनवरी, ये जो आपका बैलेंस है ना इसको आप नीचे उतार लें, जैसे करते हैं हम बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक मिनट ये जी 51030 31 दिसंबर को आपका अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होता है। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी है, हाँ वो वर्किंग क्या करनी है
आपको समझाने के लिए, अगर आपने पहले कर लिया है तो ठीक है, देख लें अच्छी तरह से, क्योंकि वर्किंग करने के लिए थोड़ा सा ना आपको एक नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा ताकि उनको पता चल जाए कि आपने ये डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड किया है। बाकी फिर इजी मेथड है जो मैंने आपको समझा दूँ, ठीक। चाहे जिसको हम रेस कर रहे हैं, फिर आपको बाद में बताते हैं कि क्या करना है, ताकि आपको जो समझ आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। आपने क्या करना है कि नीट एंड पेज पर वहाँ पर आपने लिखना है, बहुत ईजी है, वर्किंग फॉर डेप्रिसिएशन। वो इसलिए करना है क्योंकि बीच में ना आपकी मशीन सेल हो गई है। पहले आपने जितने क्वेश्चन किए हैं वो सिंपल है, वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम होते हैं आने के चांसेस के आए, ज़्यादातर सिंपल ही आते हैं, लेकिन बास का तो दे भी देते हैं, इसलिए हर चीज़ की नॉलेज आपके लिए लाजमी है। एक क्वेश्चन करवा दें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि कैसे करनी है, ठीक है। ये जी अब बताते हैं आपको कि स्टार्ट क्या करना है। सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पर वैल्यू ऑफ मशीन। अच्छा, वैल्यू नहीं लिखना चाहते तो कॉस्ट लिख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है। ये जरा पार्ट जो है अच्छी तरह से देख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ मशीन आपके पास कितनी है, 70,000 आपने लिखना है। पहले आपको कहा था कि जो आप उस पर एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन के लगाते हैं उसको आप अलहदा से लिखेंगे, उसको आप मशीन के अंदर ही काउंट करेंगे। अब आपको अगर याद हो, क्वेश्चन आपके पास होगा, लेस यहाँ पर आप लिखना है कि पहले साल का जो आपने डेप्रिसिएशन कितनी थी, लेस फर्स्ट डेप्रिसिएशन, ऐसे लिखना आपने। अब जब पहले साल का मैंने अकाउंट बनाया था तो उसमें मेरे पास कितना आया था, 7,000। आपके पास क्वेश्चन पड़ा साथ साथ देखते जाएं, उसको मैंने माइनस किया तो मेरे पास आ गया 63। सेम वैसे प्रोसीजर करना है, सिर्फ नीचे एक स्टेप जो चेंज होता है वो आपको मैंने बताना है। ये आप वर्किंग करेंगे तो उनको समझ आएगी कि कैसे किया, अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा कि मे बी के नंबर ना मिलेगी। कि जब आपने क्वेश्चन करना होता उसको इस तरह करना होता है कि समझे कि आप समझा रहे हैं उनको। इसी तरह दूसरे साल की भी इस्तेमाल हुई थी मशीन, यहाँ पर आपने लिखना है सेकेंड लेस ही करते हैं, डेप्रिसिएशन लेस ही करते हैं, तो आपने कहते हैं 63। ये सारे आपके पास सीखी, मैं उधर से देख कर बता रहा हूँ आपको। ये जी 5 देखिए, अमाउंट भी सेम वही आ रही है, इसको माइनस किया तो मेरे पास ये आएगा। अभी तीसरे साल भी यूज़ हुई लेस थर्ड डेप्रिसिएशन, तीसरे साल यूज़ हुई तो मेरे पास आया 5670। इसमें से मैंने इसको माइनस किया तो मेरे पास ये वाला बैलेंस बच गया, ठीक है, ये वाला मेरे पास बैलेंस बच गया। यहाँ तक आपके पास भी है, अब आपको बताना कि करना क्या है इसमें। ये जी मेरे पास बुक है, अब आ जाए जरा देखिए, यहाँ पर उसने क्या लिखा है, 30 June 2005 द ट्रक वॉज सोल्ड फॉर ₹30,000। यानी 30 जून तक ये मशीन इस्तेमाल हुई थी, फिर वो ख़राब हो गई, उसको सेल कर दिया। यानी सेल करने से पहले ये कितने माह इस्तेमाल हुई, 30 जून, इसका मतलब है जनवरी से लेकर जून तक, जून का पूरा महीना लगा दिया क्योंकि 30 जून है, 6 माह ही मशीन इस्तेमाल हुई है। अब देखिए क्या करना है, हमने यहाँ पर लिखना है लेस फोर्थ डेप्रिसिएशन, ये चीज़ बतानी है आपने। मशीन को जब सेल कर रहे हो वो कितने माह भी यूज़ हुई तो उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन निकलेगी। ये मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये देखें 6 माह यूज़ हुई तो इसका मतलब है इसके ऊपर आपने 6 माह की भी डेप्रिसिएशन ली। रेट इसका क्या था, 10%, वो आपने वैसे ही लेना, ठीक है। उसको जब आपने लिया तो आपके पास क्या आया, असल में ये आपका 2.551 है, तो उसको क्या करते हो, राउंड करते हो। आपको पता है कि इशारे से बड़ी रकम आ जाए ये 5 से, तो आप उसको राउंड कर सकते हैं। अब ये भी इसमें से मैंने इसको माइनस किया तो मेरे पास अमाउंट आई है 48478। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सेल कितने की है, अब देखिए, मतलब ये मेरे पास ट्रक था उसको मैंने, सॉरी ट्रक था ये और मैंने यहाँ मशीन लिखा है, तो आप ही सही कर लें फिर, वो आप गलत ना समझ लें इसको, ठीक है, ट्रक का ये, ठीक है। यानी 70,000 का ट्रक था, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होती है क्योंकि ये एज अ मेटल होता है, जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होती है, कमी होती जाती है और उसकी वैल्यू कम होती जाती है। दूसरे साल में इतना हो गया, तीसरे साल में इतनी होगी, चौथे साल में इतनी होगी, और जब उसको सेल करने लगे तो वो मजीद जो है कितने, 6 माह इस्तेमाल ही। अब इसमें से इसको आपने लेस किया तो आपके पास इतना आ गया 48,478। सेल कितने का किया है, आपने यहाँ पर लिखना है लेस कैश सेल, 30,000 का आपने सेल किया, ठीक है। अब देखें ये अमाउंट इतनी थी, सेल आपने 30,000 में किया, तो सिंपल सी बात है, आपको खुद समझ आ रही है कि आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा बल्कि क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है। और इसमें से जब मैंने लेस करना तो मेरे पास आंसर आ रहा है 18,478। ये आपका क्या निकला है, लॉस ऑन ट्रक, बल्कि आप लिख सकते हैं कि लॉस ऑन सेल ऑफ ट्रक। ये जी ये आंसर आया आपको, ये देख लें अच्छी तरह से वर्किंग, और ये बहुत अहम पार्ट है, बड़ा इजी और सिंपल है। जो आपने परफॉर्म बनाया ना उसमें से देखिए आपने करना है, सिर्फ आप जब मशीन को सेल करने लगेंगे ना वहाँ की आपने डेप्रिसिएशन जो है ना ये वाली, ये ध्यान रखना कि कितने माह
अगर आपने अक्टूबर तक की है तो आप सिर्फ ये देखें कि आपका जो अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होता है वो होता है 31 दिसंबर को, तो शुरू से रहेगा वहाँ तक आपने हिसाब लगाना है ये देखिए। इसके बाद मशीन कितनी की सेल हुई है वो आपने माइनस करनी है, तो मेरे पास आ गया 18,478। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो लास्ट ईयर है वो आप बताते हैं कि कैसे बनाया, ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं भी आ रही है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए कि ये हमें पार्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो हम आपको पार्ट क्लियर कर देंगे। और अगर इसके लिए वीडियो बनानी पड़ती है वो भी बना देंगे, ठीक है। ये जी मेरे पास अभी लास्ट ईयर है, यही आपको वेरीफाई करवाते जाएँ कि कैसे बनाया है इसको। वर्किंग आपने अच्छी तरह से समझ लेनी है, वैसे तो सवाल ही कम आता है लेकिन बास का पेपर्स में आया हुआ, इसलिए पहले इसलिए बता दिया ताकि स्टूडेंट को पता चले कि मैंने इस तरीके से करना है। मैथड समझ आ जाए बस, और कुछ भी नहीं है उसमें, क्लियर। ये जी मेरे पास जो अब क्या था 5 का 2005 फर्स्ट जनवरी मेरे पास क्या बैलेंस आया, अगर आपको याद होगा बैलेंस प्रोटाउन मेरे पास था 51030, यही था जी, यही था। अब देखिए 31 दिसंबर यहाँ पर आपने ऊपर लिखना है 2005 31 दिसंबर। अब देखिए हमने इसमें क्या क्या चीज़ डालनी है, ठीक। डेप्रिसिएशन कौन सी आएगी ये बतानी है। देखिए अभी आपने जब 2002, 2003, 2004 का बनाया उसकी डेप्रिसिएशन की आपने वर्किंग कर ली और वो शो भी हो गई है। इसमें सिर्फ एक ही डेप्रिसिएशन शो नहीं है, वो कौन सी है कि जब आप मशीन को सेल करने लगे थे वो 6 माह इस्तेमाल हुई थी जनवरी से लेकर जून तक, तो उसकी डेप्रिसिएशन हमने ये निकाली थी। आपने वर्किंग की है ना, तो वर्किंग से आप देख लिए उसी के मॉड में लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ना मशीन कितने की सेल हुई थी, यहाँ पर आपने लिखना है कैश सेल्स। ये वही सारे पैटर्न किस तरीके से सवाल होने हैं, 30,000, ठीक है। अब आपको मशीन के ऊपर क्या हुआ था, लॉस हुआ था या प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था आप लिखना है लॉस ऑन सेल मशीन, मशीन सेल पे आया हुआ ये ट्रक है, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ ट्रक कितनी अमाउंट थी, वो थी 18,478, ठीक। ये देखिए ये चीज़ें आपने जो भी इस तरह का करना है ना जिसमें मशीन ख़राब हुई सेल करी उसका सारा प्रोसीजर वैसे ही है, ठीक है। ये देखिए अब मैंने क्या करना है, इस अमाउंट को यहाँ पर लिख दिया, इस अमाउंट को वहाँ यहाँ पे लिख दिया, क्लियर है, ठीक है। और इसमें से अगर आप माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस कुछ भी नहीं निकलना, वो आपका आना है ज़ीरो। तो उस बैलेंस ज़ीरो है तो उसको आप ना लिखें, खाली शो भी ना करवाएं तो ठीक है, हमें पता चल जाएगा ये है आपका ख़त्म हो गया सेल वाला, ठीक है। ये मैंने आपको सेकेंड मैथड से करवाया, फर्स्ट करें कि अगर आपको फर्स्ट मैथड से सब पूछ रहे वही रूल है वो तरीका है। इसमें आपने डेप्रिसिएशन जब निकाली जो आपका बैलेंस आता कि आप उस पर निकालते गए, लेकिन जब आप क्या करेंगे फर्स्ट करें फर्स्ट मेथड आपको दिया गया और मशीन आप सेल करने जा रहे हैं वो 6 माह इस्तेमाल हुई है, तो आपने ये नहीं करना कि जो बैलेंस है उसके ऊपर आप लेंगे, आपका जो ओरिजिनल वैल्यू है ना मशीन या ट्रक की आपने उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, बहुत ही ईजी है, कोई मसला ही नहीं। इसमें आपको समझाने का मकसद ये था कि स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए ताकि उन्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो, ठीक है। याद क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो है तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और एक और चीज़, इस दो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, क्योंकि एक अच्छी बात सीखना दूसरों को बताना एक सदका जारी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।